Hello friends, and very warm welcome to Chiki's Biology, another video. In this video today we will discuss about pharma marketing में job करना सही है. आज मैं आप लोगों को इस question का एक appropriate answer यहाँ पे दूंगा, और ये question मुझे पिछले कई दिन से आ रहा था, और इसी question का आज हम लोग यहाँ पे एक answer find करेंगे. और आप लोग मेरे साथ में इस video में starting से लेकर end तक ज़रूर कनेक्ट रहें. और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. फ्रेंड्स, जब आप लोग फार्मा मार्केटिंग जॉब का सोचते हैं तो आपके मन में एक वहाँ पे टर्म आता है, जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. मीन्स कि फार्मा मार्केटिंग में आप लोग एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते हैं, और ये एक तरह की बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप की जॉब होती है. और इस जॉब में आप लोग अपने मन मुताबिक अपनी टाइमिंग्स रख सकते हैं. मीन्स अपने काम की जो टाइमिंग्स हैं वो आप लोग अपने हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं. आपको कितने बजे सुबह घर से निकलना है, शाम को आप लोगों को घर पे कितने बजे आना है, ये आप लोगों पे डिपेंड रहता है. कोई टाइमिंग्स की वहाँ पे सॉरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते. बट अगर आप लोग जो हैं कोई प्लांट में जॉब कर रहे हैं जहाँ पे QC QA या प्रोडक्शन की जॉब है, तो उसमें आप लोगों को टाइमिंग्स का ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहाँ पे आप को रोज़ इंडस्ट्री में जाना होता है, कंपनी में जाना होता है, और वहाँ पे जाने का भी एक टाइम होता है और वहाँ से आने का भी एक टाइम होता है. बट अगर आप उस जॉब को नहीं करना चाहते तो फार्मा मार्केटिंग जॉब आपके लिए बेस्ट है. और इस जॉब में स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा सैलरी होती है, अगर हम लोग उसका कंपेरिजन QC QA और प्रोडक्शन की जॉब के साथ करें, या एक कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जॉब के साथ में करें. जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एक जॉब होती है उसके अगर साथ में हम इसका कंपैरिजन करें, तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा वेज होते हैं पैसे कमाने के भी. आप लोग बहुत सारे तरीक़ों से इसमें पैसे कमा सकते हैं. अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, आप लोग डॉक्टर्स के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आप लोगों का जो एक पर्सनैलिटी है वो अच्छी है, या आपका प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है वो अच्छा है, तो आप डॉक्टर्स को अपना जो ये स्किल है या आप लोगों का जो तरीका है, इन वेज के थ्रू आप डॉक्टर को वहाँ पे कन्वेंस कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं. तो आपके लिए जॉब जो है बहुत ही बेस्ट जॉब है. और अगर आपको घूमना या एज अ विजिटर काम करना अच्छा लगता है तो भी फार्मा मार्केटिंग की जॉब्स जो हैं अच्छी होती हैं. और फ्रेंड्स, कोरोना के पेंडेमिक की वजह से बहुत ही जो सीट्स हैं वैकेंट हुई थी, क्योंकि बहुत सारे जो MR हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी जॉब्स को छोड़ा था. तो अगर आज आप अप्लाई करते हैं तो आपको इजीली वे में जॉब मिल जाएगी, और बहुत ही एक तरह से डिमांड में रहती हैं इस फील्ड की जॉब्स. और यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है कि जॉब सिक्योरिटी जो है उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं होती. यहाँ पे जॉब छूटने का जो ख़तरा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम लोग उसका कंपैरिजन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग जॉब के साथ में करें या QC QA प्रोडक्शन की जॉब के साथ में करें. और स्टार्टिंग में यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, बट बाद में जो है इंक्रीमेंट उतना नहीं आता, अगर हम लोग उसका कंपैरिजन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग जॉब के साथ में करें, QC QA या प्रोडक्शन की जॉब के साथ में करें. तो फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा. तो कुछ प्रोज हैं यहाँ पे, कुछ कॉन्स हैं, जैसे कुछ एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं मैंने आप लोगों को बताए. और फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं इन सभी प्रोज और कॉन्स या डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस को देखने के बाद, समझने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपको ये जॉब करनी है या आपके लिए जॉब सही है या नहीं है. मैंने आप लोगों को रियलिटी बता दी है. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू फ्रेंड्स.